अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली। घर बैठे पाए समाधान। सिवान शहर के DAV मोड़ पर कूड़ा जमा करने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर परिषद के द्वारा यहां कूड़े का उठाव 10 बजे के बाद ही किया जाता है, जिससे यहां घंटों जाम की समस्या उत्पन्न होती है। लोगों को जाम की समस्याओं का सामना प्रतिदिन करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह DAV मोड़ है और यहां पास में ही कॉलेज है, हॉस्पिटल है, मार्केट आने जाने का पूरा रास्ता यहीं पर है। यहाँ पर ना कोई प्रशासन है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस, और नगर परिषद के कर्मचारी भी सुबह 10 बजे 11 बजे कूड़े को उठाने आते हैं। सुबह के 10 11 बजे के बीच लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग इस रास्ते से आते हैं। DAV मोड़ से होते हुए आंदर, सिसवन, रघुनाथपुर के तरफ भी रास्ता जाता है और इधर के ग्रामीण भी इस रास्ते से आना जाना करते हैं, जिसके कारण काफ़ी जाम की समस्या उत्पन्न होती है। बीच रास्ते पे ही कूड़ा फेंका जाता है। 10 से 11 बजे के बाद नगर परिषद के जो कर्मचारी है वो कूड़ा उठाने आते हैं, जिससे आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस की टीम ने जब आने जाने वाले लोगों से बातचीत की, तब लोगों ने कहा कि कोई सिस्टम नहीं है, कोई देखरेख नहीं करता है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस है और ना ही नगर परिषद अपना टाइम से कूड़ा उठा रहा है और ना ही इस पर ध्यान दे रहा है। लोगों ने कहा कि नगर परिषद को चाहिए कि सुबह में ही कूड़े का उठाव कर ले, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लोगों का कहना है कि हम लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं, जाम की वजह से हमें अपने काम पे या हॉस्पिटल में या कॉलेज में कहीं भी जाना होता है, वहाँ समय से नहीं पहुँच पाते हैं। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर गार्ड रखे और इस जाम की समस्या को ख़त्म करे। सिवान शहर का DAV मोड़ के पास कूड़ों का जमा होता है, उसके बाद नगर परिषद के कर्मचारी आते हैं और यहाँ से कूड़ा का उठाव करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि नगर परिषद के जो कर्मचारी कूड़ों का उठाव करते हैं वो सुबह में नहीं करते हैं, 10 बजे से 11 बजे के बीच में करते हैं, कभी कभी 10 से 11 के बाद करते हैं। और ये जो टाइम है, इस समय पे ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग शहर में आते हैं और सिसवन से, रघुनाथपुर से, आंदर से जो भी लोग आते हैं DAV मोड़ की तरफ से ही जाते हैं, जिससे काफ़ी जाम की समस्याएं उत्पन्न होती है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज़रूरत है उचित पहल करने की नगर परिषद को और जिला प्रशासन को, ताकि लोगों की इस समस्या से निजात दिलाया जा सके। कितने देर से जाम लगा है यहाँ पे? यहाँ पे आधे घंटे से ऊपर हो गया जाम लगा है। यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं है और यहाँ पे कोई भी अनुशासन का काम नहीं हो रहा है। अनुशासन चलना ही नहीं जा रहा है, लंदन कर रहा है अनुशासन का, ट्रैफिक रूल का कोई पालन ही नहीं कर रहा है। जाम काफी घंटों से लगा है। कहा जाए मतलब यहाँ पे देखिए, पढ़ने वाला स्कूल है, यहाँ पे लड़की का स्कूल है, ये DAV मोड़ है, अस्पताल है, यहाँ बीच रोड पे जाम लगा रह रहा है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब प्रशासन को सोचना चाहिए, नगर परिषद को सोचना चाहिए, ताकि उसका सुविधा कुछ अच्छा हो। और क्या कहा जाए, ऐसे में लगा रहता है यहाँ पे, ये पर डे का जाम है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं आता, कोई देखने वाला नहीं है। और रोज यहाँ पे 10 बजे कूड़ा उठता है? हाँ, उठ रहा है, कभी सुबह उठ जाता है, कभी इतना बजे उठता है, कभी 2 बजे उठता है। सुबह भर के पास भी इतना जाम है, मतलब इसका कोई मतलब ऐसी नहीं है।
देखिए अभी जाम देख लीजिए कैसा जाम है, अभी स्कूल टूटा है। अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। नाम बताते हैं काबिल हुसैन। ये भी मोड़ पे जाम लगा हुआ है, कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? मरीज लेकर जाए, इनको बुखार लगा हुआ है, दो घंटा से हम इतना जाम है, दो घंटा से परेशान है। किस लिए जाम लगा है कुछ मालूम है? नहीं, आगे प्रशासन की लापरवाही की वजह से और अनियंत्रित गाड़ियों का इधर उधर आवाजाही की वजह से जाम की समस्या हमेशा यहाँ पे लगती है, और ये समस्या आज का नहीं है, हमेशा से लगता है, कोई रवैया नहीं रखता। ये चलता फिरता डीए भी मोड़ है यहाँ पे, ऐसा जाम लग रहा है, क्या लगता है किसकी लापरवाही है? ये कुछ हद तक तो लोगों की लापरवाही भी है और कुछ हद तक प्रशासन की भी लापरवाही है, दोनों की गलती है। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।